जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों आज हम स्टेशन मास्टर की जो सैलरी है उसके बारे में जानेंगे कि जो स्टेशन मास्टर है उसे कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं। हम स्टेशन मास्टर की जो सैलरी स्लिप है उसको देखेंगे और जो उनके जो अलाउंस है वो कैसे कैलकुलेट होते हैं उन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। जो स्टेशन मास्टर की जो इनिशियल सैलरी है वो 65,000 प्लस आपकी बनती है। तो जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप है, जो हुबली डिवीज़न की सैलरी स्लिप है, जो जून महीने की आपकी सैलरी स्लिप है, जिसमें नाम और जो पर्सनल डिटेल है वो मैंने छिपा दी है, जिसमें आप डेजिग्नेशन देख सकते हो एसएम डिपार्टमेंट। एसएम का कौन सा होता है? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद जो लेवल, कौन से लेवल की पोस्ट है? लेवल 6 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे 35,400 होता है। ये पर्सनल डिटेल थी। इसके बाद जो ड्यूटी कार्य दिवस कितने हैं? 30। जो आपकी ग्रोस पे कितनी हुई? 63,941। उसके बाद कुल रिकवरी कितनी हुई? 5,640। और जो उसका नेट पे बना है वो 58,301 रुपये बना है। अब ये कैसे बना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पे की। तो बेसिक पे जो लेवल 6 की पोस्ट है उसका बेसिक पे होता है 35,400। उसके बाद मिला है इसे डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए भी बोलते हैं, वो कितना मिला? 17,700। ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये जो आपकी बेसिक पे है इसका 50% वर्तमान में जो डीए है वो 50% चल रहा है, तो 35,400 का 50% कितना हुआ? 17,700। और जो ये डीए हर 6 महीने में आपका बढ़ता है, या तो 3% बढ़ेगा या 4% बढ़ेगा। हर 6 मंथ में डीए 3% या 4% बढ़ता है। एक बार जुलाई में बढ़ेगा, एक बार जनवरी में बढ़ेगा। इस तरह आपका जो डीए बढ़ता है। उसके बाद बात करें हम एचआरए हाउस रेंट अलाउंस की। तो हाउस रेंट अलाउंस मिला इसे 3540 रुपये, यानी जो बेसिक पे है उसका 10% मिला है। तो ये जो सैलरी स्लिप है, जो जिसकी सैलरी स्लिप है जिस एम्प्लॉय की, वो जेड सिटी में कार्यरत था, तो इसलिए उसे जो एचआरए मिला है 10% मिला है। अगर ये बाई सिटी में कार्यरत होता तो उसे कितने मिलते? 35,400 का 20%। अगर ये एक्स सिटी में होता तो उसे 35,400 का 30%, क्योंकि जो एचआरए है वो एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटी। एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है तो 30%, बाई सिटी में पोस्टिंग है तो आपकी 20%, और जेड सिटी में पोस्टिंग है तो 10% आपको एचआरए मिलता है। उसके बाद ये मिला है एचआरए का एरियर है 354, ये भी 354, ये भी 354 एरियर, यानी बकाया, जो पिछले बार जो एचआरए पिछले मंथ में से कम मिला होगा तो इसका जो एरियर है वो इसे इस मंथ में मिला है। उसके बाद मिला है ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका 2700 रुपये। जो जेड सिटी में कितना मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस? 2700 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों देती है रेलवे? तो आपके जो घर है उससे और आपके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ से जाने और वहाँ पे आने का जो आपका ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है वो रेलवे प्रोवाइड आपको करती है, तो वो कितना मिलता है? 2700 रुपये जेड सिटी के लिए। उसके बाद हम बात करें नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो इसे नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना मिला है? 3539 रुपये। मतलब इसने लगभग 1 महीने में 10 से 12 नाइट की है, इसलिए इसे 3539 नाइट का मिला है। अभी इसे और कौन कौन से अलाउंस नहीं मिले इसमें? जिसमें NHA मतलब नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, जैसे नेशनल हॉलीडे रहता है, जैसे आप त्यौहार रहते हैं तो उस दिन अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको NH मिलता है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलता है, तो इसे नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलना भी बाकी है। फिर हम इसकी रिकवरी की बात करें तो रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में आपके 30 रुपये, उसके बाद न्यू पेंशन स्कीम में 5,310 रुपये। ये न्यू पेंशन स्कीम में जो NPS है उसमें कटौती किस प्रकार होती है? तो आपका जो बेसिक पे प्लस DA इसका जो ऐड करके इसका जो 10% है वो आपकी कटौती होगी NPS में। कौन सा? बेसिक पे प्लस DA, इसको ऐड करोगे उसका 10% निकालोगे तो ये आपकी NPS में कटौती होगी। उसके बाद ये प्रोफेशन टैक्स यानी जो स्टेट टैक्स लगता है कर्नाटका का, वो है 200 रुपये, ये स्टेट टैक्स होता है। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो हुबली की है वो कितनी है? 100 रुपये। तो इस तरह इसकी जो टोटल जो रिकवरी हुई है वो है 5,640 रुपये, जिसमें आपका जो ग्रॉस पे कितना हुआ? 63,941, जिसमें 5,640 आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? इन हैंड सैलरी 58,301 रुपये। तो जो स्टेशन मास्टर है उसे जो इन हैंड सैलरी कितनी मिलती है? उसे इन हैंड सैलरी मिलती है 58,301। ये जून मंथ की इसकी सैलरी स्लिप है। इसके अलावा जो स्टेशन मास्टर है उसे और क्या मिलता है? तो जो स्टेशन मास्टर है उसे 12,250 रुपये किसके मिलेंगे? ड्रेस अलाउंस के रूप में स्टेशन मास्टर को मिलते हैं। तो
ड्रेस अलाउंस के रूप में कितने मिलते हैं, 12,250 रुपये प्रति ईयर ड्रेस अलाउंस के रूप में स्टेशन मास्टर को मिलते हैं। तो ये स्टेशन मास्टर की सैलरी स्लिप है। इसमें आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।